हेलो एवरीबॉडी, आज हम खेल रहे हैं एक नई गेम जिसका नाम है संकेन लैंड। ये एक सर्वाइवल गेम है जो कि बस कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। गेम को देखकर तो मेरे को राफ्ट वाले वाइब्स आ रहे थे, बट जब मैंने गेम के बारे में चेक किया तो ये राफ्ट जैसा तो है, बट कुछ कुछ चीजें ना इस गेम के अंदर ज्यादा बढ़िया है। जैसे अगर बताऊं तो राफ्ट के अंदर हम ना एनिमीज के ऊपर रेड कर सकते थे, ना एनिमीज हम पर रेड कर सकते थे, बट इस गेम के अंदर एनिमीज भी हम पर रेड कर सकते हैं और हम भी एनिमीज के ऊपर रेड कर सकते हैं। तो ये चीज ना मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी। अभी फिलहाल में करते हैं गेम को स्टार्ट। और यहाँ पर क्या हमें अपना कैरेक्टर, वैसे मैंने जस्ट अभी कैरेक्टर बनाया हूँ जिसका नाम है पांडू, बट इसको मैं हटा देता हूँ, तुम्हें नया कैरेक्टर बना के बताता हूँ। अभी हम फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्किन टोन मैंने कुछ ये सिलेक्ट किया था, ठीक है। हेयर मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि सर्वाइवल गेम के अंदर ना जैसे दिन बीतते जाते हमारे पास कुछ औजार होते नहीं और हमारे बाल बढ़ते 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 काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इसीलिए टकला कैरेक्टर सबसे बेस्ट। इसका नाम दोबारा सर देंगे हम पांडू, ठीक है। करते हैं क्रिएट न्यू गेम। और यहाँ पर क्या, ओ मल्टीप्लेयर भी है वैसे ये गेम। हमारे वर्ल्ड का नाम है पांडूज वर्ल्ड। ये पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है, पांडूज वर्ल्ड। बाकी ये सारी चीजों के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, जैसे नॉर्मल है या फिर डिफिकल्ट। ना 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 भाई, जैसे सारी चीजें नॉर्मल है वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हम एनिमी रेड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं, बट मिड में रहने देंगे, एकदम बिल्कुल मीडियम डिफिकल्टी मीडियम, सारी चीजें नॉर्मल रहने देंगे। नाउ लेट्स बिगिन, हमारी गेम स्टार्ट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले तुम फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, एपिसोड देख लो, एंजॉय करोगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मैं कहाँ पर हूँ ऐसे, हेल्यू मेरे को डायरेक्ट क्या पानी के बीच में छोड़ दिए। हेल्यू व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर। नीचे मेरे वो पूछ वाली शार्क नहीं, वो नोक वाली शार्क है सामने ही है मेरे। और इधर साइड भाई ऐसा लग रहा है ना एक दुनिया डूब गई है पानी के अंदर। मैं शार्क को देखते हुए भाई पीछे बढ़ रहा हूँ। मेरे ठीक इधर धरती रुक जाए, कहाँ पर चलता हम पर अटैक नहीं कर रही। ये क्या है, डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए। अभी मेरा फूड तो फुल है, पानी भी फुल है, ठंड का मीटर भी है इसके अंदर, तो मतलब अपने को सर्दी से बचने के लिए भी कुछ चीज़ों का जुगाड़ करना पड़ेगा। ग्राफिक्स तो बहुत ज़्यादा सही आ रहे हैं और तुम्हें और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी में दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अब एक न्यू तरीके से गेम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे क्लैरिटी ना एकदम भर भर कर आएगी। और रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी हमारी अभी बिल्कुल मीडियम है। ये है मेरे पास में एक्स, पता नहीं ये एक्स कहाँ से आई। मैप क्या ओपन कर मैप देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा। अभी हम है यहाँ पर द कास्टा वे आइलैंड, 0% हमने अभी तक इसे एक्सप्लोर किया है। और जैसे स्क्रोल आउट करूंगा देख रहे हो यहाँ पर कितनी सारी जगह जो हमें एक्सप्लोर करनी है। ये है ब्लूप्रिंट्स, ये है मिशंस। व्हाट इज दिस, अ न्यू चैप्टर। आई फाइंड माई सेल्फ ऑन द बीच विद अ पाउंडिंग हेडेक एंड नो मेमोरीज एक्सेप्ट फॉर बींग टॉर्चर्ड इन अ डार्क रूम। सर्वाइवल is my top priority now, but I have nothing. I'll scour the surrounding for materials to make a shelter and tools, a bed to sleep on, and something to satisfy my hunger would be great too. I need to establish a base. Okay, अभी अपने को बेस बनाना है। यहाँ पर बेस के लिए भाई लकड़ी लगेगी, लकड़ी मेरे पास में है नहीं। इन्वेंट्री के अंदर ना सिर्फ एक फूड कैन है, एक सोडा कैन है, ये भी पता नहीं मेरे पास में कहाँ से आया। खैर अभी हम ना शुरुआत करते हैं लकड़ी तोड़ने से। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम चीज़ें कैसे बनाएंगे। वेरी नाइस, पूरा पेड़ फिला रहा हूँ मैं। टूट जा भाई, टूट ना, टूट गया। अब इसको भी मेरे को तोड़ के इसके प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे। ए उठ जा, इधर आ जा भाई, लुढ़क लुढ़क के बाहर जा रहा है। इसको मैं तोड़ सकता हूँ नहीं, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ बस। मैं म्यूजिक को ना थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, अब परफेक्ट है। और काफ़ी ज़्यादा लकड़ी तोड़ देता हूँ, मेरे को एग्स भी बनाना रहेगा क्योंकि ये वाला एग्स ना बहुत जल्द हमारा टूट जाएगा। पानी के अंदर भी अपने को जाना, क्या क्या कर रहा है। आज डे वन है और दोपहर के आई गेस 3:30 हो रहे, नहीं नहीं सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और ये बाजू में अगर देखोगे तो टाइम जाता जा रहा है, दिन भर का टाइम भी चलो अपने को देखने के लिए मिल रहा है, वरना ना समझ में नहीं आता सर्वाइवल गेम के अंदर के कब दिन होता है और कब रात होती है। ये तो मैंने कुछ, ओ इधर क्या खाना है या फिर ये चिड़िया है। ओ केकड़ा, अरे खाने का बंदोबस्त हो गया, पता नहीं मैं केकड़े को खा पाऊंगा या नहीं। व्हाट इज दिस, क्या मैं तेरे को कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं इसको पकड़ लूँगा, नहीं यार मेरे को वेपन लगेगा जिससे मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। सामने देख रहे हो कितने सारे आइलैंड्स हैं,
चारों तरफ ना आइलैंड्स ही आइलैंड्स है, बट पानी के अंदर खतरा भी है अपने। इधर घर के अंदर अगर जाऊंगा तो क्या मेरे को कुछ मिलेगा? ओ इधर कुछ चीज़ें जाने के लिए जगह, इसको देखता हूँ। इसके अंदर क्लॉथ मिल गया अपने को, वेरी नाइस। इसके अंदर अच्छा, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, तोड़ देते हैं, ठीक है। वुड मिल रहा है इसके अंदर भी अपने को, वुड मिल रहा है। पानी के अंदर जाकर ना चीज़ें तोड़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है भाई, निकल जाते हैं बाहर। डे वन पे इतने ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना अपने को। ओके, क्या मैं छोटे मोटे पेड़ तोड़ कर उसमें से फाइबर वगैरह वो ले सकता? ओ छोटी छोटी स्टिक भी मिल गई अपने को। ये बस मैं अंदाजे पर कलेक्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ये क्या क्या चीज़ कौन सी क्या काम में आएगी बिल्कुल नहीं पता। चलो छोटी मोटी स्टिक अपने को छोटे मोटे पेड़ से मिलेगी, बड़े बड़े लॉग्स अपने को बड़े वाले पेड़ से मिलेगी। अब इतना अपने को याद रखना है, ठीक है। अब इन्वेंट्री हम ओपन करते हैं, अपने पास में बहुत सारा वुड आ गया, ये बूश सीड भी आ गए। मैं कपड़े से रस्सी बना सकता हूँ, पहले टूल्स चेक करता हूँ। क्रूड एग्स बनाने के लिए मेरे को स्क्रैप मेटल लगेगा, जो कि अपने पास में है नहीं, और वो पानी के अंदर अपने को मिलेगा। ये है रोप, रोप बन जाएगी क्योंकि कपड़ा है अपने पास में। एक स्पीयर बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और स्पीयर बना कर ना इसे रख लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में बो बनाने के लिए, बो अभी बनाऊँ या नहीं, मैं ना एक काम करता हूँ, दो स्पीयर बना लेता हूँ, ठीक है। एक इन्वेंट्री के अंदर रहने दूंगा, एक मेरे पास में रहने देता हूँ। और जो वो केकड़ा घूम रहा था ना, वो केकड़े की हम बैंड बजा के पहले खाने का बंदोबस्त करते हैं। चलो ठीक है, केकड़ा मिल गया अपने को, ये हो गया। इसके अलावा मैं और बिल्ड के अंदर अगर देखूंगा तो ये वुडन फाउंडेशन है, ये वुडन वॉल है। तो पहले एक फाउंडेशन बनाकर मैं, अच्छा इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है ना, इसको मैं कहाँ पर लगाऊँ? एक थोड़ी सी प्लेन जगह ढूंढनी पड़ेगी मेरे को फाउंडेशन के लिए, वहाँ पर अपने को अपना बेस सेटअप करना पड़ेगा। अगर इसके बाजू करूँगा तो बाजू की जगह को भी मैं सराउंड कर सकता हूँ ना, ठीक है। चलो इधर मैं एक ये लगा देता हूँ, ये आ गया। तीन बेस सफिशिएंट है, मतलब तीन फाउंडेशन। अभी वुड की कमी हो गई है अपने पास में, चलो ठीक है, जा करना थोड़ा सा वुड लेके आते हैं। अपने आसपास में पेड़ काफ़ी ज़्यादा है, स्टिक्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। मेरे को बस स्क्रैप मेटल मिल गया ना तो मैं ज़्यादा अच्छी एग्स बना लूँगा अपने लिए। गेम तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, पता नहीं कौन से बंदे कब हम पर रेड करने वाले। इसमें वेट सिस्टम कैसा है मेरे को नहीं पता, हम कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, नो आइडिया। चलो ठीक है, टूट जा भाई लकड़ी टूट जा। मेरे को बस अपना शुरुआत में बेस बना लेना है जिसके अंदर मैं सारा सामान अच्छे से रख सकूं। ओ एक और केकड़ा मिला, चल ठीक है निकल, आ जा तू भी मेरी इन्वेंट्री के अंदर, वेरी नाइस। अभी तक तो हम काफ़ी ज़्यादा सही जा रहे हैं, मैंने इस गेम का एक भी ट्यूटोरियल नहीं चेक किया। और व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर मैं ऑलरेडी रह सकता हूँ हैं, क्या मैं अंदर नहीं जा सकता? अरे अच्छा, शुरुआत में अगर बेस ना बनाऊँ तो मैं यहाँ पर भी ना रह सकता था। चलो ठीक है, अब हमने बेस बना ही लिया। तो इधर क्या मिला अपने को? लूट के अंदर एक रबर डक मिली है, टॉर्च मिला है और बैंडेजेस वगैरह मिले। चलो ठीक है, वेरी नाइस। ये तो हो गया अपना यहाँ का, मशरूम मिल गया है, मशरूम से हम बना लेंगे खाना। और क्या मैं इसे तोड़ कर इससे कुछ और यूज़ में ले सकता हूँ ना? इधर साइड में एक और टेप है, इसके अंदर गैस मिला है नहीं, कैन मिला है अपने को, सीड मिली है। ओ इन्वेंट्री फुल हो गई भाई, ये चारकोल और ये फिशिंग बेट मैं रख नहीं सकता। एक काम करता हूँ ना, ये स्पीयर मैं इधर रख लेता हूँ तो मेरे को जगह मिल जाएगी जिसके अंदर मैं चारकोल रख लूँगा। और कुछ वुड है, ये बुश ग्रास है मेरे पास में, इसका स्टैक नहीं कर, सिर्फ 15 का ही स्टैक हो रहा है। रुक जा तू यहीं पर फिशिंग बेट, मैं जस्ट अभी आया, मैंने अपने आइलैंड का पूरा चक्कर भी नहीं लगाया हूँ। यार कितनी बढ़िया तरीके से प्लेस हो रही है ना चीज़ें, और ना बहुत ऐसे सिंपल, इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिंपल बना हुआ है। इधर एक बेस और इधर एक लगा देता हूँ, मतलब फाउंडेशन। इसके बाद मेरे को और लगाने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल में नहीं है, इधर बस अपने को चाहिए दीवारें, ठीक है। वुडन दीवार एक पीछे से तो नहीं लगाऊंगा मैं, एक काम करता हूँ ये फ्रंट से एक इधर से लगाता हूँ एक। यार फिर दोबारा वुड ख़त्म हो गई, चलो ठीक है कोई ना, आज तो पहला ही दिन है हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड का, कोई बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी मोटी स्टिक अभी मेरे काम में आएगी नहीं आएगी, या आ भी रही है तो मेरे को पता नहीं है। इनफ ट्रीज है यहाँ पर, मतलब जितनी अपने को लूट चाहिए और जितना अपने को वुड लगेगा उस हिसाब से ना ढंग के पेड़ है अपने
बस ठीक है, चलो भाई आ जाओ जेब के अंदर, आ जाओ फटाफट से, टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास ओ हो इन्वेंट्री फुल है बेटे, इन्वेंट्री फुल है, वरना मैं अभी सामान लेकर चला जाता। और मेरे को नहीं लगता मैं ये बोर्ड रख पाऊँगा। सही, आँख खोलकर हम अपने आइलैंड के ऊपर ही अगर घूमेंगे ना तो अपने को यहीं पर अच्छा खासा खाना शुरुआत में मिल जाएगा। यार इन्वेंट्री फुल हो गई भाई अपनी, मेरे को स्टोरेज बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं थोड़ा सा सामान रख सकूं जो एक्स्ट्रा है हमारे पास में। ठीक है, तो ये एक दीवार यहाँ से, एक दीवार यहाँ से, एक दीवार यहाँ से, ठीक है, इधर भी एक दीवार, बीच का छोड़ देता हूँ। ठीक है, इधर का यार, इधर भी मेरे को लगाना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए पैक कर देते हैं यहाँ से भी, क्योंकि एनिमीज रेड करेगी तो पता नहीं है वो लूट करेंगे हमसे या फिर क्या करेंगे। इधर का हो गया कंप्लीट, अब मेरे को सिर्फ डोर फ्रेम चाहिए एक यहाँ पर। ठीक है, ये डोर फ्रेम आ गया फ्रंट में ना, मैं डोर फ्रेम लगाऊँ या फिर इधर मैं विंडो लगा दूँ, विंडो लगाऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले चेक करता हूँ कि स्टोरेज बॉक्स कैसे बनेगा। यस, ये रहा वुडन चेस्ट जो कि 12 वुड से बनेगी, और ये मेटल चेस्ट है। पहले वुडन चेस्ट बनाते हैं और कैंप फायर बनाते हैं ताकि हमारा खाने का और रहने का टेंशन हो जाए ख़त्म। ये एक्स कितनी देर चलेगी पता नहीं मेरे को, अभी एनर्जी और पानी भी ना मेरा बहुत ज़्यादा लो हो रहा है भाई। टूट जाना, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको टूटने के लिए भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। रिसर्च टेबल भी अपने को बनाना है, थोड़ा सा ना मैं ट्यूटोरियल से ज़्यादा एडवांस में चल रहा हूँ। ऐसे गेम होने चाहिए कि मतलब समझने के लिए ना आसान, और हमने इतने साल में इतने सारे सर्वाइवल गेम खेल लिए हैं अभी, क्या ही बताएं, मतलब इतना फुल एक्सपीरियंस आ गया सर्वाइवल गेम का भाई अपने को। अभी मैं इतना ही वुड लेकर जा रहा हूँ, क्या करूँ यार, दोबारा इन्वेंट्री फुल हो गई ना। पहले स्टोरेज बॉक्स बनाऊँगा मैं डोर बनाने से पहले, और सामने ना मैं खिड़की लगा रहा हूँ, आजू बाजू का तो चलो अपने को एक गैप में से दिख जाएगा। पहले स्टोरेज बॉक्स बनाते हम अपना, उसको रख देता हूँ। कितना बड़ा स्टोरेज बॉक्स है, चलो ज़्यादा बड़ा स्टोरेज बॉक्स नहीं है। इधर से एक स्टोरेज बॉक्स आ गया, और फिलहाल मैं एक ही बनाता हूँ, इसके अंदर चेक करते कि हम रख क्या सकते हैं। तो चलो जो अभी लगने वाली चीज़ें नहीं है ना वो इधर रख देता हूँ। चारकोल हो गया, खाना, डक, जो काम की चीज़ें नहीं है वो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर रहेगी। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ फुल वुड लाने के लिए, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ फ्रंट से हम एंट्रेंस बाद में लगा देंगे, बट फिलहाल में अपने को ज़रूरत नहीं है उसकी। और अपने घर को भी ना जब ज़्यादा स्क्रैप मेटल हो जाएगा ना तो लकड़ी से हटाकर हम उसे मेटल का बना लेंगे। ये बुशेस मैं हटाऊँ कैसे मेरे को वो चेक करना है। मैं इसको डायरेक्ट कुछ कर सकता हूँ नहीं। टूल्स के अंदर अभी हमारे पास में एक स्पीयर है, एक एक्स है। वाटर बॉटल के लिए अपने को 6 ग्लास लगेगी, नहीं पता कहाँ मिलेगा। पिकैक्स के लिए अपने को स्क्रैप मेटल लगेगा जो कि पानी के अंदर है। डाइविंग फिन्स भी अपने को बनानी पड़ेगी। सर्वाइवल के अंदर हमारा खुद का स्वागत है बहुत दिनों बाद। ये सारी चीजें बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ मैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है ना मेरे को छत भी बनानी पड़ेगी। लग रहा क्या है, बनानी पड़ेगी शाम होने से पहले। अभी दोपहर के 2 बज गए, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपने को ना फटाफट से काम करना पड़ेगा भाई। जितनी लकड़ी थी सारी की सारी तो मैंने तोड़ लो, कम से कम सर ढकने के लिए एक छोटी सी जगह मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। मेरे पास ना एनर्जी ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो गई है। अपना बंदा ना बहुत धीरे धीरे अभी काम कर रहा है फिलहाल में, और लकड़ी के एक्स से ना चीज़ें तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा देर लग जा रही है। ऑल राइट, ये भी हो गया है क्लियर। अब जो बची कुछ स्टिक्स है बस वो लेना है, और पानी के आसपास ही मतलब जो अपने आसपास ही चीज़ें हैं ना, सामने मेरे को ना स्क्रैप मेटल दिख रहा है, नज़र आ रहा है, रुक जाओ। पहले एक एक काम, एक एक टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जाते जाते जो खाना मिल रहा है चुपचाप से समेटते चलो भाई। अभी इन्वेंट्री के अंदर जगह है, मशरूम है, थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा इससे। इधर ये कुछ बेरीज है, और तो अभी इतना कुछ ऐसा बढ़िया नज़र नहीं आया अपने को। यार डोर बनाने के लिए मेरे को कुछ चाहिए, डोर यहाँ पर ना मेरे को दिख नहीं रहा है कि इधर। यस चलो, ये एक डोर लग गया, वेरी नाइस, हो गया डोर का टेंशन खत्म। बोट भी मैं बना सकता हूँ यहाँ, पैडल बोट बना सकते हैं, बट पैडल बोट के लिए कंपाउंड्स लगेंगे और स्क्रैप मेटल लगेगा। वुडन बोट बनाने के लिए मेरे को क्लॉथ और रोप लगेगा। क्लॉथ तो मेरे को मिल गया, आसपास और ढूंढूंगा अच्छे से तो मिल जाएगा। एक फ्लैग भी मैं यहाँ लगा सकता हूँ। सिंपल बेड भाई, सिंपल बेड के लिए क्लॉथ लगेगा। क्लॉथ को रखो मैंने, कहा गया क्लॉथ,
ये राना क्लॉथ, सिंपल बेड बनाकर यहाँ पर पहले लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी तक इस गेम में मरा नहीं हूँ ना। मरने के बाद मेरे को पता लगेगा क्या यहाँ पर रिस्पॉन वाला सिस्टम कैसा है। ठीक है, एक सफिशिएंट रहेगा। ये वुडन रूफ, ये वाली वुडन रूफ नहीं यार, रूफ का तो यहाँ सिस्टम ही नहीं है भाई। बस ये एक वुडन फ्लोर है, ये वुडन पिलर है और ये वुडन एक ही रूफ है। दूसरी जैसे अपने को रूफ चाहिए वैसी रूफ है नहीं यहाँ पर। चलो ठीक है, ये तो हमारे घर का काम हो गया कंप्लीट। अपने को सिंपल प्यूरीफायर चाहिए, उसके लिए स्क्रैप मेटल, और ये प्लांटर चाहिए ना, प्लांटर बना सकता हूँ मैं। रिसर्च टेबल के लिए स्क्रैप मेटल, चलो ठीक है। इन्वेंटरी का जो सामान है वो सारा का सारा यहाँ पर रख दो अभी, ठीक है, क्योंकि मर गए तो क्या पता। सिर्फ मैं अपने पास एक सोडा कैन भी पूरे नहीं, हाफ ही रखता हूँ। ये हाफ कैसे होंगे बट चलो ठीक है, खा लेंगे जो भी कर लेंगे। और ये स्ट्रॉबेरीज है भाई, ये स्ट्रॉबेरीज है, फटाफट से स्ट्रॉबेरीज खाओ। स्ट्रॉबेरी खाने के बाद मेरे को स्ट्रॉबेरी सीट मिली है, और रुक जाओ मैं पेट भर लेता हूँ, अपनी फुल एनर्जी कर लेता हूँ। एक सोडा कैन पीते मेरी एनर्जी कहाँ से कहाँ चली गई। नाउ दैट्स सफिशिएंट। अब ये रख दो वापस से भाई इधर, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अपने को। बस दो स्पीयर है और इतना सफिशिएंट है। ठीक है, मैं अपने दरवाजे को लॉक लगा सकता हूँ या नहीं, ऑप्शन तो है नहीं इधर। चलो, शाम का टाइम हो गया भाई, शाम का टाइम हो गया, और शाम होने से पहले ना मेरे को कुछ करना पड़ेगा। इधर साइड ओ स्क्रैप मेटल दिख रहा है बट ना, व्हाट इज दिस, स्क्रैप मेटल मिल गया, वेरी नाइस, स्क्रैप मेटल मिल गया है, बहुत बढ़िया। शार्क घूम रही है और शार्क अपने को ना दिक्कत दे सकती है। अभी ये साइड रहने देते हैं एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा ना हम इधर साइड में जाते हैं। अपने को ना वो फिंग्स भी बनानी है अपनी, जिससे हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड से ना स्विमिंग कर पाएंगे भाई। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। चलो ठीक है, सामने और स्क्रैप मेटल मिल गया मेरे को। कपड़ा मिल जाए ना ज़्यादा तो फिर अच्छा हो जाएगा। कपड़े से ना मैं अपने लिए वो बना लूँगा। स्क्रैप मेटल और मिल गया, ऑक्सीजन। चलो ऊपर आ भाई, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ। वेरी नाइस, डे वन के हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा सही थे। क्या मैंने इस घर के अंदर एक्सप्लोर किया है? नहीं, इस घर के अंदर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। ओ इधर कुछ बढ़िया चीज़ दिख रही है इसके अंदर। स्क्रैप मेटल आ जा भाई बैकपैक के अंदर। अरे लूट के अंदर, मैं अपने जेब का सामान ये लूट के अंदर रख रहा था अभी, बताओ। एनीथिंग एल्स नहीं, ऑक्सीजन लेके आता हूँ फिर जाता हूँ। रिस्क लेना ही नहीं है भाई अपने को। और अंधेरा तो हो गया। गेम के ग्राफिक्स मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फाड़ लग रहे भाई, बहुत ज़्यादा फाड़ लग रहे। शाम का वक्त हो गया ना, चलो ठीक है, सो जाते हैं अभी। डे वन पे तो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली भाई, और बहुत ज़्यादा स्पीड से कर ली। इस गेम के बारे में ना मेरे को एक और सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी पता है? इस गेम में ना अपने को डे दिखाई दे रहा है, टाइम दिखाई दे रहा है, और जो कंटिन्यू टाइमर चल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो अपने को जजमेंट रहेगा कब दिन होने वाला है, कब रात होने वाली है। और जो डे नाइट का सिस्टम है ना, डे नाइट का तो मेरे को पता नहीं, बट जो डे का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिसेंट टाइम है, कि एक दिन के अंदर ना बंदा अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया, कुछ काम कर ले, वरना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं सुबह से रात हो जाती है। खैर रात के 9 बजने पर ये बस 9 नहीं 7 बजने पर आई गेस सो जाते हैं। इट्स नॉट बैड टाइम। चांद निकल गया भाई, क्या सुबह हो गई है। ओ सुबह हो गई, यहाँ से सूरज दोबारा से निकल गया। एक ही सेकंड के अंदर हम सोकर उठ गए हैं। मेरे पास में एक टॉर्च है, जिसको मैं ना कहाँ गई वो टॉर्च, इसको मैं ले लेता हूँ। मतलब इसको ना मैं कहीं पर लगा नहीं सकता, या फिर ठीक है इससे आग से ये लकड़ी बुझेगी, मतलब ये जो पत्ते हटेंगे। नहीं, डिफेंड कर सकता हूँ मैं अपने आप को। ठीक है, टॉर्च भी अपने पास ही रहने दे रहे, टॉर्च भी हम बना सकते हैं, टॉर्च को वो नहीं लगेगा। पहले मैं अपने ये वाली जगह पर अपने बेस का काम ना थोड़ा मजबूत कर लेता हूँ। किसी चीज़ की आवाज़ आई, बहुत अजीबोगरीब आवाज़ आई मेरे को अभी जस्ट, किसी के सांस लेने की आवाज़ आई है, नहीं पता इतनी जल्दी कोई हम पर रेड करेगा नहीं करेगा। बट मेरी ना थोड़ी सी फटी है अभी, हम ना पहले अपना ये जो बेस है इसको मजबूत बना लेंगे, अपने आप को मजबूत बना लेंगे, उसके बाद हम बारी बारी ना एक एक आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। सामने वाला आइलैंड तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। खैर काम पर फोकस, फटाफट से इन्वेंट्री खोलो। क्रूड एग्स बनाना है मेरे को,
क्रूड एक्स के लिए स्क्रैप मेटल तो है ना, रस्सी नहीं है मेरे पास में। रस्सी बनाने के लिए मेरे को कपड़ा लगेगा, कपड़ा मेरे पास एक ही है और एक मेरे पास फ्लेयर भी है। चलो जो कीमती सामान मिला है वो यहीं पर रख देता हूँ। मैं एक और स्टोरेज बॉक्स बना लेता हूँ जिसके अंदर हम अपने वेपन्स रखेंगे। ये अगर सिंक हो जाता एक दूसरे से ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, ऐसे इसको एग्जैक्ट लगाने में ना प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है, इसको फ़िलहाल मैं यहीं पर प्लेस कर देता हूँ। इसके अंदर जो अपने को ये डक टेप, कपड़ा, फ्लेयर, स्क्रैप मेटल ये सब मिला है ना, लकड़ी नहीं, ये अनु का सामान वहाँ पर रखेंगे। बाकी इन्वेंट्री खाली, खाना पीना वापस। अरे दिन के टाइम मेरे को खाना पड़ेगा भाई, खाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये खाना खाते ही मेरा पेट भर गया। चलो ठीक है, एक सोडा पी लूँगा ना तो एनर्जी हो जाएगी पूरी तरीके से फुल। ये डेकोरेशन के लिए अपने को मिली है, इसको मैं कहाँ प्लेस करूँगा, इसको मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। चल ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं आ। अरे मैं उठा नहीं सकता क्या? अरे तोड़ दिया क्या भाई, मैंने तोड़ दिया, टूटने की आवाज़ आई है। चलो छोड़ो यार, चलते हम वापस से समुद्र के अंदर। पता नहीं डे टू पर क्या डिफ़िकल्टी का सामना हमें करना पड़ेगा। ओ इधर भी मेरे को कुछ दिखा। अरे वाह भाई, स्क्रैप मेटल मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्क्रैप मेटल मिल रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद में इसके अंदर क्या है, वॉशिंग मशीन है। कि ऐसी पूरी की पूरी एक दुनिया थी जो कि अब डूब गई है भाई, वो डूब गई है। अरे शिट, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। वेरी नाइस, ठीक है चलो वापस अंदर। सामने एक और चीज़ है जो छोटी, सामने बिल्डिंग है मेरी, तो बिल्डिंग के ऊपर नज़र ही नहीं पड़ी, बिल्डिंग्स है वहाँ पर। सर्च कर लो भाई क्या क्या मिला है। लूट दे 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 दे, हमको सारी लूट दे दे, चारकोल दे दे, एवरीथिंग इज गुड। अब थोड़ा सा और ऑक्सीजन लेके आता हूँ, नीचे का फ्लोर और अच्छा से चेक करेंगे। ठीक है, अभी मैं विदाउट ऑक्सीजन टैंक और विदाउट सारी चीज़ें ना कर रहा हूँ। मैंने पानी का बंदोबस्त नहीं किया है, मेरे को पानी का बंदोबस्त करना है। अभी मेरे पास जो सोडा कैन है उसी के भरोसे मेरा काम चल रहा है, पानी का जुगाड़ हमने किया नहीं। पानी अपने को लगेगा भी बहुत ज़्यादा, होप अपने को पानी के लिए कुछ मिल जाए यार। एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जा रही है, इसको तोड़ूंगा तो क्या वुड मिलेगा? वुड मिल रहा है, वुड नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को अनो का सामान, ओ दवाई गोली मिल गई, दवा गोली मिल गई इसके अंदर भी। चलो ठीक है, और खाना पानी मिल गया। एनीथिंग एल्स? सामने भाई वुड ही है और कुछ नहीं है, बेड रखा हुआ है इधर, आने के बाद में चेक करते हैं। ऑक्सीजन लेके आता हूँ पहले। शार्क ने अभी तक हम पर अटैक किया नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा गहराई में जाएंगे तब जाकर वो हम पर अटैक करेगा, नो आइडिया। बाजू बाजू से चलना है अभी अपने को, इधर का तो पूरा चेक कर लिया। ओह इधर कुछ चीज़ है, इसको मतलब सर्च करते ना इसके अंदर कुछ मिल जाए। स्क्रैप मेटल मिल रहा है दबा के, मतलब स्क्रैप मेटल का अपने को बहुत ज़्यादा नीड होगा आगे चल के। इसमें कुछ है नथिंग, कपड़े का जुगाड़ हो जाए, अपने को कपड़े मिल जाए ना ज़्यादा वो अच्छा रहेगा। ओके, इस घर के अंदर तो मैं आई गेस आकर चला गया हूँ, इधर कुछ भी नहीं है। बॉर्डर टू बॉर्डर घूमता हूँ, एक दुनिया है जो अब पानी के अंदर डूब गई है। यहाँ पर पहले लोग रहते थे बट अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, सारी की सारी चीज़ें तबाह हो गई है भाई साहब। सामने मेरे ये मछली है, पता नहीं वहाँ पर अटैक करेगी नहीं। कौन सी फिश बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गया इसका, पूछ वाली नहीं, नोक वाली, तेज नाक वाली शार्क। ये तो एक फ्लाईओवर था, देखो पूरा का पूरा फ्लाईओवर पानी के अंदर है। मैं अपना झंडा बनाकर ना कुछ भी करके ये वाले पत्थर के ऊपर लगा दूंगा एकदम हाइट पर ना, तो ऐसा दूर से अपने को नजर आएगा। और है कुछ? हाँ यहाँ साइड में एक बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर ना थोड़ी शार्क बहुत ज़्यादा ऐसे नज़दीक है, उनसे बचते बचाते ही जाना पड़ेगा मेरे को, वरना वो कैसे भी आकर अटैक कर दिए ना तो हो गया अपना काम। वेरी नाइस, इसके अंदर क्या है सामान भाई, दे दे। ओ लूट मिली। मैं ना ये सीड्स जो मिल रहे हैं ना वो सीड्स से मैं मतलब ग्रो करके प्लांटिंग वगैरह वो करके ना कुछ भी चीज़ें ग्रो कर सकता हूँ। वो बहुत सही टाइम पर ऊपर आया हूँ, बहुत ज़्यादा सही टाइम पर ऊपर आया हूँ भाई। चलो अच्छी खासी लूट हो गई है, अब अंदर आके ना ज़रा दरवाजे लगाते और देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें ना बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक रस्सी बना सकता हूँ जो कि मैंने बना लिया हूँ,
उसके बाद में हमें एक सी बकेट में वाटर के लिए ग्लास चाहिए, वाटर बॉटल बनाने के लिए, और स्क्रैप मेटल के लिए मतलब पिकैक्स बनाने के लिए अपने को स्क्रैप मेटल चाहिए। आई हैव बहुत सारा स्क्रैप मेटल ब्रदर, तो मैं अपने लिए एक पिकैक्स, वुडन प्लैंक, अरे मैंने सारा सामान यहाँ रख दिया क्या? हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस सामान है ना, ये मैं इधर नहीं बना पाऊँगा, इसको मेरे को बनाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर मतलब ये रिसर्च टेबल जिसके ऊपर मैं सारी चीज़ें बना सकता हूँ। 15 वुड है मेरे पास, स्क्रैप मेटल है, और कंपाउंड भी है, बिल्ड क्यों नहीं कर सकता फिर? अच्छा, सारा सामान मैंने उल्टा किया, मैंने सारा सामान यहाँ रख दिया, वुड ख़त्म हो गया है हमारे पास में, अपने को वुड लगेगा नहीं, बट वुड भी है इसमें ना, अपोजिट है, मतलब जो डिब्बे जो स्टोरेज बॉक्स है उसकी लूट यहाँ है, बैकपैक की यहाँ है, हमेशा ऐसा होता है बैकपैक यहाँ होता है लूट यहाँ होती है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया उसमें। चलो ठीक है, सारा सामान तो ऑलमोस्ट है अपने पास में, अब कंपाउंड लगेगा। कंपाउंड मैंने जस्ट कहीं तो रखा हूँ, अपने को कंपाउंड मिला ना भाई, अभी अब बना सकते हैं ना। यस, ये अपना रिसर्च टेबल हो गया, रिसर्च की चीज़ें होगी इस वाले साइड में, ठीक है। ये सिंक का सिस्टम यार ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब ऐसे नीट एंड टाइडी होती है सारी चीज़ें। अब करेंगे यहाँ पर हम रिसर्च, तो ये टू हैंड एग्स बन रही है भाई, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें के बारे में पता करना पड़ेगा अपने को। स्क्रैप हेलमेट बना सकता हूँ, इसकी रिसर्च कर सकते हैं, इसकी रिसर्च कर सकते हैं, और ये क्रॉसबो की भी रिसर्च अभी नहीं कर सकते, उसके लिए अपने को कंपाउंड नहीं है अपने पास में, स्क्रैप मेटल है। जैसी जैसी चीज़ें मिलती जाएगी हम रिसर्च करना मतलब रिसर्च कर सकते हैं फिर, और ये स्पाइक वॉल से ही हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई हम पर भी रेड होगी, तो ये जैसे हम द इन्फेक्टेड गेम के अंदर अपने घर को चारों तरफ से घेर के रखते थे, वैसे ही अपने इस वाले घर को भी संकिन लैंड गेम के अंदर भी हमें स्पाइक वॉल से ही चारों तरफ से ना डिफेंस बनाकर रखना पड़ेगा अपना। सिंपल प्यूरीफायर के लिए 3 कंपाउंड लगेंगे, और ये सिंपल ग्रिल के अंदर अपने को 15 स्क्रैप मेटल लगेगा, जो कि मेरे पास है। सिंपल ग्रिल बन जा भाई, इसके अंदर हम खाना बना लेंगे, इसको मैं लगा देता हूँ ठीक है इसके बाजू, देखना थोड़े दिन के बाद ना अपने को ये घर कम पड़ने वाला है। चलो ये तो हमने रख दिया, इसके अंदर खाना ऐड कर रहे हैं अपने को, पहले तो वुड ऐड करते हैं। वुड प्लैंक्स नहीं है, एक मिनट रुक जा, अभी लेके आता हूँ। सारे वुड प्लैंक्स ना हमारे पास ख़त्म हो गए, क्या जो हम पेड़ यहाँ पर तोड़ रहे हैं वो दोबारा से उगेंगे या नहीं उगेंगे उसके बारे में ना थोड़ा सा रुक के पता लगेगा। अभी तक यहाँ के जितने पेड़ हमने तोड़े ना वो तो उगे नहीं, बट हाँ अपने को फ्री की ना यहाँ पर ऐसे घूमते रहेंगे तो अपने को स्टिक्स मिल रही है बहुत ज़्यादा। अरे वाह, स्ट्रॉबेरी मिली है, फटाक से स्ट्रॉबेरी खाते हैं भाई, खा ले, पानी भी भर रहा है इससे, मतलब पानी का भी काम हो रहा है, खाने का भी काम हो रहा है। फार्मिंग करनी पड़ेगी बहुत दबा के, बस ये छोड़ना है उसके बाद। अरे मैंने यहाँ पर भी फिशिंग बेट छोड़कर गया था ना, अभी तक यहीं पड़ी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहीं पर गिराई थी। इतने सारे मेरे पास में प्लैंक थे भाई, सारे के सारे प्लैंक घर के अंदर और उसके अंदर ही लग गए। और कोई चीज़ छूट रही है यहाँ पर? नहीं। एक बार दोबारा क्रॉस चेक, अच्छे से गद्दा पड़ा हुआ है, गद्दा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ए लो भाई, कितना वुड चाहिए? 10 वुड चाहिए ना, इतने वुड अभी लगा देता हूँ। और फूड ऐड करने के लिए मेरे पास में कंटेनर वाला फूड है, और तो कुछ है नहीं भाई, ये सीड्स और यही सारी चीज़ है। ये थोड़ा अलग टाइप का स्टोरेज बॉक्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा अनोखा सामान रहेगा, ठीक है, जैसे कंपाउंड, स्क्रैप मेटल, और जो क्राफ्टिंग के लिए चीज़ें लगेगी ना वो सारी की सारी मैं यहाँ पर रख दूँगा। जैसे ये फ्लेयर हो गई, और ये एक चीज़ छूट गई ना, हाँ रोप छूट गई थी, रोप भी इधर ही रख देता हूँ, या फिर रोप को वहाँ नहीं रखते, रोप को अपने दूसरे साइड में रख देंगे। केकड़ा हमने यहाँ रख दिया, वरना इसे हम कुक कर सकते थे। कहाँ गया केकड़ा? ये रखा हुआ है केकड़ा, रुक जाओ अब चेक करते केकड़े को तो भाई। अरे हाँ, मैं ऐड कर सकता हूँ ना केकड़ा, ये लो एक केकड़ा रख दिया सामने, बड़ा सा केकड़ा बनता रहेगा, फिर हम उसे खाएंगे पेट भर के। अभी मैंने अपनी सारी इन्वेंट्री खाली कर ली, सिर्फ अनोखा माल मैं अपने पास में रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीजें सॉर्ट करने में ना आसानी हो अपने को। इधर सारा का सारा स्क्रैप मेटल, फ्लेयर, कपड़े, इधर सारे के सारे मिडिल के उसमें वो रख देंगे, और जो हमारी दवा गोली है वो सारी की सारी एक जगह पर इधर साइड में, ताकि अपने को किसी भी चीज़ का ना कन्फ्यूजन ना रहे, पूरा एकदम सारी चीज़ों को हम सॉर्टेड रखे। ये तो हो गया हमारा खाना रेडी, एफ टू टेक फूड, और अभी तो हमने सिर्फ रख लिया है अपने पास। अपने को यहाँ से चारकोल भी मिल रहा है, ओके 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 ओके, मैं सोचूं वही कि चारकोल अपने को मिलेगा कहाँ से, यहाँ से हम लकड़ी जो ऐड कर रहे हैं ना, ये लकड़ी जब चल जाएगी उसके बाद में अपने को चारकोल मिलेगा। ये तो हमारा केकड़ा, इसको मैं काम कर तो खाऊँगा तो अच्छी एनर्जी और अच्छा खासा हमारा पेट भर गया है। अभी ये लगा दिया मैंने डोर, और अब जा करना आराम करता हूँ, क्योंकि
दो दिन से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम करना जरूरी है। और अभी मेरे को ना सामान जमा करके एक बोट बनानी है जिससे हम यहाँ वहाँ घूम के और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। बट उससे पहले अपने को अपने लिए मेटल की स्पीयर और एक अच्छा वाला बो बनाना है, क्योंकि पता नहीं कौन से आइलैंड पे जाएंगे अपने को क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए अभी थोड़ा सा आराम करते हैं हम और आज के एपिसोड को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना भाई। अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक जरूर करो, ठीक है, चेक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। 400,000 हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सेकंड चैनल पर 70,000 हो चुके हैं, वहाँ पर भी 100,000 होने वाले हैं भाई। बट इंस्टाग्राम पर 10,000 भी फॉलोअर नहीं, क्या कर रहे हो भाई, इंस्टाग्राम भी चेक करो। बहुत सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।